हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मेक्स रिकॉर्ड 28th विजिट टू इंडिया एपिक शोडाउन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खत्ते में सबसे ज्यादा है। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे के, अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, गुड क्वेश्चन, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मैं क्या कहते, बड़ी बढ़िया गलत उसी की थी, बढ़िया अंदाज से इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। मतलब दो एक एक हाथ के बजाय दो दो हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। अब ये मुनाफ़िकत नहीं है तो और क्या है? पूरी दुनिया जो है इंडिया के खानों की तारीफ कर रही है, यही तो कयामत है। इंडिया वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना, जब मैं कभी आऊंगी ना, मेरी हाथ तो आजा करे इन सब चीजों से खाना खिला खिला। भूखे नंगो। सर खाने में आपको मतलब ज्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी वहाँ की, खाना तो उनका वैसे है ना, तो सारे अच्छा है, निहारी बहुत जबरदस्त है, सुनते जाइए, आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, सुनते जाइए, उसके बाद दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, सुनते जाइए, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है, सुनते जाइए, उसके बाद चिकन के वो बनाते हैं मक्खन में वो बहुत अच्छा है, सुनते जाइए, तो जामा मस्जिद पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है खाने की, सुनते जाइए, हलवा पराठा मिलता है वो बहुत जबरदस्त है, सुनते जाइए, वो जो चीजें यहाँ नहीं ना मिलती वो वहाँ मिलती है। मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है, उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। वाह भाई वाह। नहीं देखिए, हमारी YouTube फैमिली में से बार बार मुझे ये कमेंट करके मुझे बताया जाता है कि आप कभी कभी कुछ लाइट वीडियो भी बना लीजिए, कुछ पॉजिटिव वीडियो भी बना लिया कीजिए, कोई जरूरी है हर वीडियो में पाकिस्तान को तहश नहस करना, उसको काटना पीटना। अब इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को अपने अल्फाज के तीरों से जख्मी ना करें। तो हमारे YouTube सब्सक्राइबर फैमिली में से अगर किसी ने डिमांड की है तो उस डिमांड को पूरा करना भी मेरा फर्ज बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया पूरा पॉजिटिव वीडियो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त, जिसमें एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान आया था, अभी 2018 में आया था, उसका ससुराल भी इवन की हिंदुस्तानी है। 1997 में भाई की शादी हुई थी, यहाँ से दुल्हन लेके गया था, लेकिन यहाँ से दुल्हन पाकिस्तान में जाना या पाकिस्तान की दुल्हन हिंदुस्तान में आना, उस समय तक ये नॉर्मल बातें हुआ करती थी, उस समय इतना बड़ा कोई इशू बनता भी नहीं था, मुसलमान मुसलमान एक दूसरे के बीच में शादियां करते थे और आज भी जारी है। सीमा सचिन आपके सामने, अभी एक कलकत्ता की मिसाल आपके सामने है, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। 2018 में लास्ट आपका जो है वो भारत का विजिट था। सर थोड़ा सा अगर उस हवाले से, बाई रोड गए थे यहाँ से अटारी वाघा, वाघे से अटारी, अटारी से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली सहारनपुर। सर किस किस के साथ गए थे, मतलब अकेले प्रोग्राम बना था या कोई ग्रुप ऑफ पीपल? विद फैमिली गए थे। अच्छा माशाल्लाह। सर आपकी फैमिली की अगर बात की जाए तो उनको वीज़ा मिलने में कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ा? दुश्वारी तो ज़रा मुश्किल से मिलते हैं वीज़ा, बहरहाल हमें तो मिल गया था क्योंकि मेरी वाइफ जो है ना वो इंडिया की हैं। अच्छा, इसलिए इंडिया में। सर मतलब वो आपकी जो शादी हुई थी तो वो मतलब वहाँ से इधर आई थी? मतलब जी वो इधर से, वहीं से इधर आई थी। वेरी नाइस सर, ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब मुझे 97 में शादी हुई थी मेरी, 1997 में जो है वो आपकी शादी हुई है और आपकी वाइफ इंडियन है। जी सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया में किस जगह से मतलब वो लोग बिलोंग करते हैं? सहारनपुर और दिल्ली। अच्छा, दो जगह। तो आपका जो 2018 का विजिट था वो दिल्ली का था? दिल्ली भी सहारनपुर भी, दो जगह का। सर तकरीबन आपने बताया था 1 मंथ आपका वहाँ पे स्टे रहा। हाँ जी, तो एक महीना रहते थे। सर मुझे ये बताएं कि जो आपका सफ़र था वहाँ पे, जब आप गए तो किस तरह का आपने वहाँ पे माहौल पाया, मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से, क्योंकि मेरे ख्याल से 2018 आप ही मुझे वो मिले, वरना ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत पहले भारत जो है वो होके आए हुए हैं, लेकिन 2018 का भारत की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा बताते चलें कि 2018 का भारत कैसा है। 2018 का तो ऐसा है, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ पे देखी और आपको पर्सनली लगा हो कि यार ये तो कमाल कर दिया इन्होंने? कमाल तो ये कर दिया कि वहाँ हर चीज़ ही कमाल है। अब ये मुनाफ़िकत नहीं है तो और क्या है? खाने कमाल के हैं,
लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। सर खाने में आपको मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी वहाँ की, खाना तो उनका वैसा है ना, तो सारा ही अच्छा है। निहारी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद तहारी बहुत अच्छी है, उसके बाद कबाब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कह लो आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद चिकन के वो बनाते हैं मक्खन में, वो बहुत अच्छा है। तो जामा मस्जिद पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने की, हलवा पराठा मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो जो चीज़ें यहाँ नहीं ना मिलती वो वहाँ मिलती है। अरे वेरी नाइस। सर मुझे ये बताएं कि उसके बाद कभी दोबारा मौका नहीं बन पाया कि जाने का? हाँ नहीं, मौके की कोशिश की थी लेकिन वो असल में वीज़ा नहीं लगा। इंशाल्लाह लगेगा वीज़ा तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दोबारा वैसे इरादा है जाने का? जी ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैं सब इतने प्यारे लोग हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो नफ़रतें कहाँ से आ गई हैं फिर दोनों देशों के दरमियान? वहाँ ये पता नहीं नफ़रतें ये सिर्फ उस पर ही है मीडिया पे, बाकी तो जैसे ही आप इंडिया में इंटरेस्ट करते हैं आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, पूरे रस्ते लोग बहुत इज्जत करते हैं, कहीं जगह का वो जगह देते हैं आपको, कोई खाना खा रहा होगा आप भी लीजिए, और तमीज़ से बोलते हैं। ऐसे नफ़रत वाला उधर कोई माहौल तो है नहीं वैसे, मैंने तो देखा नहीं वहाँ कुछ ऐसा माहौल हो या जिसमें नफरत वाला काम हो, कोई ऐसा मुझे नज़र तो आया नहीं। एक महीना आपका वहाँ पे स्टे कर रहा है और यकीनन आपने ट्रैवल भी किया होगा विद इन द सिटी अगर बात की जाए तो। सर अगर गाड़ियों की बात की जाए, वहाँ पे रोड्स की बात की जाए, मतलब किस तरह का वहाँ पे मतलब माहौल है? ये जैसा लाहौर की रोडें हमें नज़र आती हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ नज़र आती हैं, सर इसी तरह का या थोड़ा मतलब चेंज हो गया? नहीं, इस तरह का नहीं है, इससे भी ज़्यादा डेवलप किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत फाइन, सारे रिजनेबल तरीके से चलते हैं, गाड़ियाँ भी सही तरह चलाते हैं, यहाँ इधर के इधर से उधर उधर से इधर वाले सिस्टम नहीं है, वहाँ सारा मतलब के कानून के तहत काम करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आपके पास हाज़िर हुआ था मैंने आपसे एक सवाल किया था, मुझे यकीन करें अभी भी वो सवाल याद है। मैंने आपसे कहा था कि आप ये क्या चीज़ें बेचते हैं, तो आपने कहा मैं इंडियन चीज़ें बेचता हूँ। तो मैं सारी रात सर ये सोचता रहा कि जिस बाज़ार में लोग मतलब खुल के बताना नहीं चाह रहे वहाँ आप बरमला मतलब जो है वो मान रहे हैं कि आप मतलब इंडियन चीज़ें सेल कर रहे हैं। हाँ जी, इंडियन चीज़ें बेचते हैं जी। सर इसको लिटिल इंडिया बाज़ार के नाम से भी जो है वो जाना जाता है जिस मार्केट के अंदर आप हैं, मतलब इसका नाम ये किस तरह पड़ा है लिटिल इंडिया बाज़ार? ये लिटिल इंडिया बाज़ार तो ये कुछ अरसे से ही है, वैसे इसको पान गली, इंडियन पान गली कहते हैं, अनारकली, ठीक है, या इंडियन सामान बिकता था आके, जैसे पान, उसके बाद कथा वगैरह, उसके बाद जैसे कोई सामान आया इंडिया से वो लोगों ने रख लिया, वो इस तरह रखते 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 वो लोगों की डिमांड के मुताबिक फिर लोगों ने दुकानदारों ने रखना शुरू कर दिया, वो फिर बिकना शुरू हो गया, गाहक भी आना शुरू हो गया, इसलिए लिटिल इंडियन बाज़ार के नाम से मशहूर हो गया। आपने माशाल्लाह प्रोडक्ट्स भी जो है वो काफ़ी रखी हुई हैं जिन पर मुझे हिंदी वगैरह जो है वो नज़र आ रही है। सर क्या लगता है कि पहले मुझे बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पर शॉप कर रहे हैं? मैं तो पहले मेरी शॉप थी स्टेशन पान मंडी में, ठीक है, वहाँ से मैं अब इधर आ गया हूँ नारकेली, कोई 6 महीने हो गए हैं। वहाँ पर भी सर यही माल वगैरह? वहाँ पर भी यही काम था। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे आपकी अकेले की थी या उधर भी पूरी मार्केट इसी चीज़ की है? वहाँ पे कि मेरे अकेले की थी। तो सर वो लोग तो बड़ा वो करते होंगे कि ये दरमियान में कहाँ से आ गया एक शख्स जो पुराने बैठे हुए थे, कुछ 50 साल से बैठे हुए थे उधर। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं सिस्टम था। सर क्या लगता है आपको कि अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ से आती हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो है जिनकी डिमांड है? वहाँ से साबुन बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके बाद फेस वॉश बहुत पसंद करते हैं, उसके बाद ले लो कलर इंडियन बहुत पसंद करते हैं, और गोदरेज के और कंपनियों के, उसके बाद शैम्पू ले लीजिए, नाइल हो गया, उसके वाटिका हो गया, उसके बाद और वैरायटी काफ़ी है इंडियन, जिसमें कह लें पेस्टें बहुत पसंद की जाती हैं, उसके बाद बाम पसंद की जाती है, हाजमुला होती है, उसके बाद कह लें कि अब परफ्यूम बड़े अच्छे होते हैं वहाँ के, इतर बहुत अच्छे होते हैं। इन भाई साहब को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अच्छे इंसान लग रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी आंखों में सिर्फ खूबसूरती देख रहे हैं, अच्छी चीज़ देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जो देखा है और जो एक्सपीरियंस किया है सिर्फ वही बता रहे, अपनी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे कि जैसे अक्सर पाकिस्तान में जालियतियाँ फैली हुई होती है कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, इस टाइप से कोई अनाप शनाप बातें नहीं कर रहा। बंदे ने जो देखा है, जो अपनी आंखों से देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो सच सच बोल रहा है। ऐसे सच्चे पाकिस्तानी
पाकिस्तान में बहुत कम है, रेयर ही देखने को मिलते हैं। अगर आपने भी ऐसे सच्चे पाकिस्तानी देखे हो और इतने साफ और शरीफ आदमी देखे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज मैं ये नहीं बोलूंगा इन पाकिस्तानियों को पहल के जाइए, अगर इन पाकिस्तानी की तारीफ में अगर दो शब्द आप बोल सकते हैं तो आप जरूर बोलिए, क्योंकि आज अपना वीडियो है पॉजिटिव, इसलिए मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया। जबरदस्त जबरदस्त। और भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? भारी मिस्टेक हो गया सर। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोगों ने वॉच की और भाई आज तो रिकॉर्ड करने का दिया भाई साहब ने, आज ट्रोल नहीं किया, लेकिन इन सब चीजों के से हटके मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जो इन्होंने फिजा की जो मीम वो लगाई होती है ना, सुनते जाइए, बहुत मजा आता है उसका जो है ना, जब ये साथ साथ एक बात होती है और साथ में ये मीम होती है, सुनते जाइए, तो बड़ी कमाल की लगती है। मतलब बेशक ट्रोल करने के लिए लगाते हैं लेकिन वो मजा आता है देखने में। खैर आज इनकी पॉजिटिव वीडियो थी, उन्होंने खुद भी बोला कि सब लोग मुझे कहते हैं कि नेगेटिव, और बाकी इनकी जो है ना वो ट्रोलिंग वीडियोस ही होती हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है ना पॉजिटिव थी। वो क्यों पॉजिटिव थी, क्योंकि आगे बंदा भी पॉजिटिव बातें कर रहा था इसीलिए पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी अगर इंडियन फूड की बात करें, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, बाकी इनमें मतलब बहुत क्वांटिटी और क्वालिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत तादाद में इनकी डिशेज बहुत ज्यादा होती है। दूसरी अगर मैं इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, जैसे ये भाई साहब की शॉप भी थी, तो इंडियन प्रोडक्ट्स वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो एक टाइप की कहते हैं ना रेयर समझी जाती हैं। जैसे वाटिका शैम्पू की इन्होंने बात की, मेरे बालों में वाटिका शैम्पू के अलावा कोई शैम्पू सूट नहीं करता, सीरियसली। मैं मतलब शादी से पहले से मैं ये यूज करती आ रही हूँ, अगर मैं कोई चेंज करती हूँ ना तो मेरे बालों का बुरा हाल हो जाता है। अभी मैंने चेंज किया हुआ और अभी मुझे दोबारा से मुझे लग रहा है मुझे वाटिका पे आना पड़ेगा। मैं अगर कोई पाकिस्तानी लगाती हूँ ना तो मुझे मतलब सीरियसली सूट नहीं करता, पता नहीं क्या वजह है, मेरे बालों में वाटिका ही सूट करता है, ये तो मुझे अंडरस्टूड बात है। और दूसरा ऑयल जो होते हैं इंडियन, वो भी जो है वाटिका ही मैंने यूज किया ऑयल भी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल हैं जो कि इंडियन ऑयल पाकिस्तान में बहुत रेयर माने जाते हैं मेरे ख्याल से, और अच्छे भी होते हैं, मतलब सूट करते हैं आपकी स्किन को। और आप जब जाते हो ना मार्केट में तो आपकी मुझे लगता है कि आपकी ये सर्चिंग होती है यार इंडियन ऑयल जो है ना वो लिया जाए, क्योंकि वो जो है ना वो ऑर्गेनिक होते हैं और अच्छे होते हैं बालों के लिए जो है ना अच्छे होते हैं। बाकी साबुन वगैरह, साबुन भी मेरे ख्याल से इंडियन, मैंने वैसे कोई यूज नहीं किया साबुन, लेकिन होते होंगे जो बता रहे हैं तो ऑब्वियसली हाँ। होते होंगे बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान में, स्पेशली प्रोडक्ट्स की बात करूंगी, क्योंकि आप जरी सी बात है खाना जो उनका जो वो है डिशेज है वो तो जरी सी बात है यहाँ पर आ नहीं सकती, तो प्रोडक्ट्स हैं पता नहीं किस, ये भी इनसे पूछना चाहिए था कि किस रास्ते से आती है ना, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन हाँ। आया, पूरी दुकान में कह रहे किससे इंडिया की चीजें हैं, और 2018 का ही गया हाँ, तो कहाँ से लेके नहीं, मतलब ये तो नहीं लेके आता होगा ना इतनी, तो वो कहाँ नहीं आती होंगी फिर, ये वो ट्रेड के थ्रू ही आती होंगी, वो जो इनडायरेक्ट ट्रेड होती है दुबई से हाँ। और मुझे फिर यही बात है ना, फिर ये इंडियन चीजें इतनी सस्ती होती हैं, मतलब हाँ जब जो शैम्पू की वजह मैं बात कर रही हूँ ना वो दूसरी एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तानी है उसके मुकाबले फिर भी कुछ ना कुछ सस्ता ही होगा, तो अगर वो इनडायरेक्ट भी आ रहा है तो इनको मतलब दुबई के रास्ते से मंगवा रहे हैं किसी और कंट्री के रास्ते से, तो इनको तो महंगा पड़ रहा है ना, बिल्कुल, तो फिर ये सस्ता कैसे बेच रहे हैं। यार जैसे इस अंकल की शॉप थी ना, मुझे नहीं लग रहा कि इनमें इतनी है कि वो दुबई से मंगवा रहे हैं, नहीं यार बड़ा सारा स्टोर होना चाहिए, नन्ही सी उनकी दुकान है, इनकी पूरी मार्केट इंडियन है ना, सारी पूरी मार्केट मिलकर मंगवाती होगी, एक अंकल थोड़ी ना मंगवाते होंगे। नहीं जैसे वो जो एंकर था वो कह रहा था कि बड़ी बात है कि आपने इंडिया का सारा सामान रखा है, और आप खुले आम कह रहे हो कि मेरे पास सारी इंडिया की चीजें हैं इस जगह पे लाया है, तो कुछ हाँ तो फिर पूरी मार्केट कैसे इंडिया की चीजें मंगवा रही है। मुझे तो इसमें कोई बुरा वो नहीं लगी कि आप इंडिया की भाई चीजें भी नहीं बेच सकते, ये क्या बात हुई। हाँ ये है कि वो चीजें बैन है, ट्रेड वगैरह बंद है, तो शायद इस एस्पेक्ट से उसने कहा हो कि यार आप ट्रेड वगैरह तो बंद है तो आप कैसे खुले आम लगा के बैठे हुए। अब ये वीडियो जो है इतनी वायरल हो गई होगी कि लोग जो चाहे जो पुलिस वालों ने छापा भी मार दिया कि यार तुम क्यों यहाँ पर लगा के बैठे हो और तुम जो इंडियन प्रोडक्ट्स की तारीफें कर रहे हो। खैर हमने भी तारीफें कर दी भाई, जो चीज सही है जो हमने यूज की है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चीज हमने यूज की है वो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं जारी सी बात है बोलूंगी कि वो अच्छी है, जो अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। बाकी और अच्छी थी भाई आपकी वीडियो, जरा ट्रोलिंग चैट के ऐसी वीडियो भी बनाया करे अच्छा लगे। देखो जब आप पॉजिटिव काम करते हो ना तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हर वक्त भी ये जैसे कहते हैं कि भाई इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को आपने पेलना नहीं है, तो मतलब ये वर्ड यूज करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है,
आप कह रहे हो कि मेघा से इनको ये लगता है कि जो बंदा इंडिया की तारीफ करता है ना, चाहे वो पाकिस्तानी जो इंडिया की तारीफ करता है बस वही अच्छा है, बाकी पाकिस्तानी जो है वो खराब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी बुरी चीजें हर जगह अच्छी लगती है। अब जो इनको चीजें अच्छी लगी वो इन्हें बताई। और मैं यहाँ पे खानों की बात करूंगी, जो ये खानों के नाम ले रहे थे वो सारे यहाँ पाकिस्तान में भी मिलते हैं। इवन वीडियो देखते भी हम कह रहे थे कि यार ये कुछ सारे फ्रेंड नहीं लिए, हाँ सारे यहाँ पे भी मिलते हैं। और यहाँ पे भी बहुत मजे मजे के जितने भी इन्होंने दही भले फ्रूट चाट जो भी चीजों के नाम लिए, हलवा पराठा यहाँ पे भी मिलता है, कोई डिफरेंट चीज नहीं थी। तो इन्होंने मेरे ख्याल से शायद कोई डिफरेंट चीज नहीं टेस्ट की। फिर मैं एक बात कहूंगी कि वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर का टेस्ट आपको अच्छा लगता है अपने घर में जैसा मर्जी हो ना, बाहर का आपको जो है वो अच्छा लगता है, कहते हैं यार बाहर की चीज जो है वो ज्यादा अच्छी है। बहरहाल अच्छी बात है कि ये इंडिया गए, वहां के लोगों की मेहमान नवाजी का कह रहे थे कि वहां के बहुत अच्छे लोग हैं। और हम भी एक बहुत बात करते हैं कि आपको ये सोशल मीडिया पे या अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे चले जाओ ना, वहां पे होता है कि यार हमने एक दूसरे से मिलना नहीं है, ट्रेड नहीं करना, ये वो करना, लेकिन जब आप आम लोगों की बात करो ना, वो आपस में बहुत एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। चाहे वो अगर कोई इंडियन पाकिस्तान पे आ जाए ना या कोई पाकिस्तानी इंडिया में चला जाए, तो वहां से बहुत प्यार से मिलते हैं कि यार ये पाकिस्तान से आया या इंडिया से आया, वो बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहां तक प्रोडक्ट्स की बात करूंगी, बाकी अगर हम हेयर ऑयल की बात करें, तो अगर हम एड्स वगैरह भी देखते हैं या इंडिया के फिल्में या ड्रामे देखते हैं ना, तो उसमें भी उनके बाल इतने शाइनी और इतने लंबे थिक, मतलब पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं है। तो इसे भी हमारा दिल करता है कि यार हम इंडिया की जो हेयर ऑयल है या शैम्पू है वो यूज करें। अगर आप कॉस्मेटिक की बात कर लो तो वो भी मेघा से वहां पे ज्यादा अच्छी है, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर आप इंडियन ज्वेलरी की बात करो, बल्कि लोग यहाँ पे बहुत ढूंढते हैं, बहुत बड़ी कमाल के हमें इंडियन ज्वेलरी मिले। खासतौर पे फाउंडेशन की बात कर लो आप, यहाँ पे लोग बेचते हैं इंडियन फाउंडेशन के नाम पे, लेकिन वो आपको जो है वो सही ओरिजिनल नहीं मिलती कि ओरिजिनल है। अब जैसे ये छोटी सी शॉप लेके बैठे हुए थे ना, बेशक इन्होंने अपनी तरफ से ओरिजिनल लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी बंदे के माइंड में आता है कि पता नहीं ओरिजिनल चीज दे भी रही है कि नहीं। क्योंकि जाहिर है कि आपकी सेंसिटिव चीज होती है ना, स्किन होगी, आपके हेयर होगे, तो आपको ऐसे ही लगाने को दिल नहीं करता। तो अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो बड़ी बात है, और वो फिर इतनी सस्ती नहीं मिलती। अगर इंडिया में वो 10 रुपए की होगी तो यहाँ वो 60-70 रुपए की होगी। तो इतनी सस्ती चीज मिलना बड़ी मुश्किल बात है। और अच्छी बात है कि इनका इंडिया में ससुराल, चलो इसी बहाने इनका आना जाना लगा रहता है, या इनकी मिसेज जो है इनको वहां का एक अलहदा टेस्ट इनको जो है वो खाने का मिला होगा। तो बड़ा वीडियो जो है वो अच्छी थी। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, और सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।